एक सर्कल जिसका सेंटर डी दूसरा सर्कल जिसका सेंटर एफ है दोनों के सेंटर्स के दरमियान ये बराबर होगा दोनों सर्कल के सम ऑफ के यानी एक सर्कल का रेडियस डी सी और दूसरे सर्कल का रेडियस सी एफ है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा यानी डी सी प्लस सी एफ को जब आप एड करेंगे तो उसे मैर डी एफ आएगा सी इज अ पॉइंट वेयर द टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली तो गेवन में आएगा कि टू सर्कल्स विद सेंटर डी एंड एफ रेस्पेक्टिवली टच एक्सटर्नली या टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट सी दो सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट सी पे टच करते हैं सो दी डी एंड सी एफ आर रिस्पेक्टिवली द ऑफ द टू सर्कल एक सर्कल का रेडियस डी सी और दूसरे का सी एफ है तो ये दो रेडियाई है हमारे पास दो डिफरेंट सर्कल्स के साबित क्या करना है टू प्रूव पॉइंट सी लाइज ऑन द ज्वाइन ऑफ सेंटर्स डी एंड एफ सी जो है ये जब आप डी और एफ को ज्वाइन करेंगे तो उस लाइन सेगमेंट के ऊपर सी एक पॉइंट होगा एंड मैर डी एफ इज इक मैर डी सी प्लस मैर सी एफ और ये जो डी एफ फासला है ये मैयर डी सी प्लस मैयर सी एफ के बराबर होगा कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों सर्कल्स का एक कॉमन टेंजेंट लेंगे यानी एक सर्कल जिसका सेंटर डी है दूसरा सर्कल जिसका सेंटर एफ है दोनों एक्सटर्नरी पॉइंट सी पे एक दूसरे को टच करते हैं तो यहाँ पॉइंट सी पे हम एक कॉमन टेंजेंट लेंगे कॉमन मीन कि ये ये जो ए बी हमने लिया है इस है इस सर्कल जिसका सेंटर डी और दूसरा सर्कल जिसका सेंटर एफ और उन दोनों सर्कल पे का जो ज्वाइंट पॉइंट है उस पर हमने ए सी बी टेंजेंट ड्रॉ किया है प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं स्टेटमेंट्स को लेफ्ट साइड पे और रीजंस को राइट right साइड पे लेके स्टेटमेंट्स uh, पे कि बोथ सर्कल टच एक्सटर्नली एड सी दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट सी पे टच करते हैं, वेयर एस सी डी इज द रेडियल सेगमेंट एंड ए सी बी इज द कॉमन टेंजन इस सर्कल का रेडियल सेगमेंट सी डी है और इस पे ए सी बी टेंजन है लिहाजा मैयर एंगल ए सी डी जो है ये 90 डिग्री के बराबर होगा मैयर एंगल ए सी डी नाइनटी के बराबर इसलिए है कि रेडियल सेगमेंट और टेंजन हमेशा एक दूसरे पेलर होते हैं सी एफ इज रेडियल सेगमेंट इसी तरह सी एफ इस दूसरे सर्कल का रेडियल सेगमेंट है और ए सी बी उस पर टेंजन है एंड ए सी बीज द कॉमन टेंजन फॉर मैयर एंगल ए सी एफ नाइन डिग्री लिहाजा ए सी एफ एंगल जो है ये भी नाइनटी के बराबर है

और ये पूरा एंगल है मैयर एंगल डी सी एफ तो इसको मैयर एंगल डी सी एफ से रिप्रेजेंट करें और 90 प्लस 90 से वन ए डी बनता है 180 कि ये स्ट्रेट होगा। और यहाँ पे आप बता दें रिजन है एंगल्स। दो एंगल्स है एक एंगल ये है और एक एंगल ये है इन दोनों का सम जो है वो वन ए टी के बराबर है तो ये एंगल ए सी एफ और एंगल ए सी डी जो है ये एडजस्टन सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि इन दोनों का सम वन ए टी के बराबर है तो मैयर एंगल डी सी एफ ये जो मैर एन डी सी एफ है तो इट मीन की लाइन है हेंस इज सेगमेंट विद पॉइंट सी बिटवीन डी एंड एफ तो डी सी एफ एक लाइन है और इस के बीच में से एक पॉइंट सी है ठीक है तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट सी है तो इट मीन की मैयर डी सी प्लस मैयर सी एफ जो है ये प्लस ये बराबर होगा मैयर डी एफ के तो यहाँ पे है एंड मैयर डी एफ टू मैर डी सी प्लस मैयर सी एफ मैयर डी एफ इजो टू मैर डी सी प्लस मैयर सी एफ इसके साथ ये त्यौरम कंप्लीट होता है इनशाला अगले वीडियो में एक नए त्योरम का प्रूफ निकालेंगे उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज